क्या आपके घर पे जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है? क्या आपके घर पे जो गाय है वो प्रेग्नेंट है? अगर प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप गर्मी के मौसम में ऐसा प्रिकॉशन करेंगे जिससे कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगी। और अगर आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है और कभी कभी डिस्चार्ज देती है, देखिए अगर गाय डिस्चार्ज देती है तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल भी मानी जाती है, लेकिन भाई क्या पता रिस्की हो जाए, तो आप पहले से ही मैं जो आज इलाज बताने जा रहा हूँ वो कर दीजिए एज ए प्रिकॉशन यानी बचाव के रूप में। और अगर भैंस है और वो डिस्चार्ज कर रही है तो भाई खतरा है। अगर प्रेग्नेंट भैंस डिस्चार्ज कर रही है यानी कि तांता गिरा रही है, सफ़ेदा गिरा रही है, तो भाई दिक्कत है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और मैं जो आज इलाज बताने जा रहा हूँ वो कर दीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए गर्मी के मौसम में अबॉर्शन की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में मेरी भैंस जो है वो तांता देने लग गई है, और हम जब पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो तांता नहीं जर लटक रही है, तो भाई ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब वो अबॉर्शन हो जाता है। तो आप ऐसा प्रबंध पहले से ही रखिए ना कि अबॉर्शन होगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अबॉर्शन के ऊपर बनाए जिनमें कई प्रकार की देसी दवाएं बताई, और खान पान में जो हम देते हैं उसमें है जो यानी बारले अगर आप शामिल करते हैं दाना मिश्रण में तो बहुत ही अच्छा रहता है। मेहंदी के पत्ते जो आप दाना मिश्रण का 30% हम दिया करते हैं, तो 30% जो अनाज होता है उसमें आप पूरा ही जो ले लीजिए अगर आप ठंडा करना चाहते हैं। इसके अलावा मेहंदी के पत्ते आप 50 ग्राम रोज दे सकते हैं, जो नॉर्मली हम आपको बताते हैं और बहुत ही अच्छा भी रहता है। ये मेहंदी के पत्ते वाला जो फॉर्मूला है ना वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम सौंफ खिलाते हैं भाई, जो हरी वाली सौंफ आती है, सौंफ भी ठंडी रहती है, अच्छी रहती है, तो वो भी खिलाई जा सकती है। इसके अलावा जो आज मैं इलाज बताने जा रहा हूँ वो एकदम से यूनिक है, और आप अगर कर लेंगे इन दोनों तीनों इलाज के साथ तो भाई समझ लीजिए कि अबॉर्शन नहीं होगा, ठंडक आपकी गाय भैंस को कन्फर्म हो जाएगी। और वो चीज़ है फ्रेंड गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा आपके नज़दीक में जो भी किराना स्टोर है वहाँ मिल जाएगा, और गोंद कतीरा ला करके आप 50 ग्राम पर डे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम पर डे आप दे दीजिए। 1 किलो दीजिए, 10 दिन रुक जाइए, फिर 1 किलो दीजिए, फिर 10 दिन रुक जाइए, फिर 1 किलो दीजिए, जितने में भाई ये गर्मियाँ जो है वो निकल जाएगी, जो खतरनाक समय अभी चल रहा है वो दूर निकल जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको कभी भी। तो इसीलिए प्लीज़ आप गर्मी के मौसम में कोई भी गर्म चीज़ नहीं दे करके ठंड की चीज़ें दें। पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं अपने पशु को तो वो शरीर के तापमान को कंट्रोल करेगा, और पानी जो पिला रहे हैं वो भी गर्म नहीं होना चाहिए भाई। शीतल जल जो हम पीते हैं या हम पीना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये गर्म नहीं है, वही पानी आपको अपने पशु को पिलाना है ताकि गर्मी की शिकायत ना हो। इसके अलावा कई पशुपालक भाइयों को मैं देखता हूँ कि ये नहलाने लग जाते हैं दोपहर में, दोपहर बाद। प्लीज़ आप अगर नहलाना चाह रहे हैं तो सुबह सुबह 8 बजे के पहले नहलाइए, बाद में धूप निकलने के बाद मत नहलाइए, वो भी एक कारण बनता है गर्मी का। तो इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए तो आपके पशु में कभी भी अबॉर्शन नाम की जो बला है वो नहीं आएगी।